सो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। भाई मैं फिर से आ चुका हूँ GTA 5 की एक और नई वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि भाई मेरे पास माइकल की कार खरीदने के पास और भी पैसे बचे हैं, तो मुझे भी एक कार खरीदनी है, तो मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। तो भाई कई सारे बंदों ने कमेंट किया था कि आप भाई फॉर्चूनर लेजेंडर खरीदो, किसी भाई ने किया था थार, लेकिन सबसे ज़्यादा कमेंट भाई उसी के बारे में थी कि फॉर्चूनर लेजेंडर खरीदो। तो भाई मैं आपको एक बात बता दूँ कि लॉस सैंटोस में ये सारी इंडियन कार्स हैं ज़्यादातर, जो कि यहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन भाई आपने मुझसे बोला और मैं वो कार ना खरीदूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने एक दोस्त से बात करी थी, तो मेरे दोस्त ने भाई इंडिया से इंपोर्ट कराई है खास वो गाड़ी मेरे लिए, जो कि शोरूम पे आई हुई रखी है, वो भी 3 कलर्स में। भाई कलर कॉम्बिनेशन भी है वहाँ पे, हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। तो सबसे पहले तो भाई अपनी ये कार देखो। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इस पे रैप कराया था, जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने इसे फुल्ली ब्लैक करा दिया। तो बताना भाई कमेंट सेक्शन में कि ये गाड़ी कैसी लग रही है आपको, ठीक है। और चलते हैं भाई अपनी नई गाड़ी लेने, फॉर्चूनर लेजेंडर भाई, जिसके लिए मैं कसम से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एक सबसे पहले तो इसका भाई गाने बंद करते हैं, पता नहीं GTA 5 ने ये चीज़ क्यों दे रखी है। तो भाई शोरूम अपने घर से थोड़ी सी दूर है, बस ये एमुनेशन की शॉप के पास ही है, बस वो यहीं पे चलते हैं और अपनी गाड़ी को उठा के लेके आते हैं वहाँ से। तो भाई मैं आपको बता दूँ, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना कि भाई क्या बताऊँ मैं आपको। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है वैसे, थोड़ी सी दूर है बस हमारे घर से, वो थोड़े ध्यान से चलता हूँ मैं, समझ लो भाई ये आ भी गया मैं, बस इस पुल को पार करते ही वो गाड़ी है। और मैं एक्साइटमेंट में भाई कितनी तेज़ चला रहा हूँ गाड़ी को, एक्सीडेंट ना हो जाए भाई, थोड़ा आराम से। और लो भाई फाइनली मैं आ भी चुका हूँ वहाँ पे। तो आपको दिख गई होंगी पीछे से गाड़ियाँ, ये नहीं 3 कलर्स में, और भाई रेड कलर भी है, फॉर्चुनर रेड कलर में भी आती है क्या, या फिर खास भाई लॉस सैंटोस में चलती है गाड़ी। वैसे चलती तो नहीं है यहाँ पे, उसने भाई मंगाई होगी कुछ भी करके। तो सब लोग सबसे पहले देखते हैं, और भाई ये इनकी साइड में क्या गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं ये, भाई इनको तो हटाया करो यार। चलो छोड़ो भाई, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा तो भाई मेन फोकस है अपनी इन गाड़ियों पे। और भाई वाइट कलर में यार क्या लग रही है ये गाड़ी, और एक बार इसकी भाई हाइट चेक करो आप। देखो फ्रैंकली काफ़ी लंबा है, फिर भी इससे देखो कितनी ज़्यादा ऊँची है ये कार, देख रहे हो भाई, यही है भाई फॉर्चूनर का कमाल। इसीलिए मैं इसको गाड़ी को लेना चाहता था, और भाई आप लोगों ने कमेंट किया कि भाई फॉर्चूनर ही लो। तो ये हमारे पास भाई 3 कलर्स हैं, जो कि मेरे को पर्सनली बताऊँ ना भाई, ब्लैक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और वाइट भी, मेरे को रेड इतना खास अच्छा नहीं लग रहा था मैं सही बताऊँ तो। लेकिन भाई मेरा मन तो कर रहा है ब्लैक लेने का, पर मैंने अपनी ये कार भी है ना ये भी ब्लैक में रैप करा ली, तो ब्लैक ब्लैक गाड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। मेरा मन क्या कर रहा है कि भाई मैं वाइट कलर में उठाऊँ ये गाड़ी को, क्या बोलते भाई, यही उठाई जाए क्या। फिर पहले तो एक बार आपको भाई वॉक अराउंड देता हूँ इन तीनों गाड़ियों का, जो एक नंबर लग रही है भाई, एक नंबर। कोई सी भी गाड़ी ले लो ना वैसे तो भाई तीनों की तीनों ही गाड़ी फर्स्ट क्लास है। तो सबसे पहले तो भाई इसका इंटीरियर चेक करते हैं, इंटीरियर वैसे तीनों का सेम है, पर फिर भी चलो इसी में चढ़ के चेक करते हैं। और इसके इंजन की भी साउंड सुनाता हूँ आपको। अरे इसमें भी भाई सॉन्ग्स चलते रहते हैं, सबसे पहले तो ये बंद करता हूँ। और भाई इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर इसमें भाई एक कमी तो हमेशा से ही है फॉर्चूनर में कि इसमें सनरूफ नहीं है। चलो उसको छोड़ो भाई, ये भी अपने सेफ्टी रेटिंग्स की वजह से ये सनरूफ नहीं देते। वैसे इंटीरियर भी भाई ठीक ठाक है, बस इसका इतना खास तो नहीं है जैसे और गाड़ियों का होता है इस रेंज में। ये मेरे को गाड़ी भाई 55 लाख रुपये की पड़ रही है यहाँ पर, 55 लाख भाई, जो कि बहुत बड़ी रकम है। इनको देना चाहिए था सनरूफ और थोड़ा अच्छा इंटीरियर, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं छोड़ो। तो भाई ये गाड़ियाँ बताना आप कमेंट करके आपको कैसी लगी ये। और कलर में भाई मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं ब्लैक का भी मन कर रहा है और वाइट का भी मन कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई वाइट कलर ही ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लैक है भाई पहले से। और दूसरी बात भाई, अगर हमको ये वाइट कलर पसंद नहीं आएगा ना, तो कुछ दिन बाद हम रैप करा लेंगे इसको भी ब्लैक कलर में। मेरे दोस्त हैं यहाँ कई सारे जो कि इसको रैप कर देंगे बड़े आसानी से, तो वाइट कलर ही लेता हूँ मैं। चलो सबसे जाके पहले जाके पेमेंट करके आता हूँ, आज ये लड़की बैठी है यहाँ पर शायद से, चलो इसको पैसे दे के आता हूँ, इससे बात करता हूँ। सो ओके गाइज, मैंने फाइनली पेमेंट कर दी, और भाई 55 लाख रुपए से इन्होंने 1 लाख रुपए फालतू लिए, पता नहीं किस बात के, बोल रही थी कि भाई ऐसा वैसा है, थोड़े पेपर वर्क में लग गए हैं। लेकिन छोड़ो भाई, अपने को ये 57 लाख की पड़ी, 56 लाख की पड़ी है, 56 लाख की, मैं 57 लाख बोल रहा था, 1 लाख ऐसे ही बढ़ा रहा था फालतू में। अपनी ये गाड़ी तो यहीं पे पार्क करके चलते हैं, इसको लेके जाऊंगा बाद में। सबसे पहले तो भाई इस गाड़ी को लेके चलते हैं, और डायरेक्ट इसको घर नहीं लेके जाएंगे भाई, इससे करने जा रहे हैं हम फॉर्चूनर से ऑफ रोडिंग भाई, जिसके लिए ये कार बनी है।
और इस कार में बैठती भाई कितना ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है। देखो एक बार मैं इस कार में बैठ के आया था ना, इसके साइड में लगा के दिखाता हूँ आपको। और यार एक बात है और है भाई वाइट कलर में, कि इसमें ना डुअल टोन आ रही है इसमें, देखो वाइट भी है ब्लैक भी, तो ये कलर अलग से ही निखर के आ रहा है, इसलिए मेरे को ज़्यादा अच्छी लग रही है। और भाई तो आपको पता है लेजेंडर की लाइट तो सबसे ज़्यादा फेमस है ही, इतनी अच्छी फॉर्च्यूनर की भी नहीं है भाई जितनी लेजेंडर की है। चलो इसको ही लेके चलते हैं। वैसे देख लिए ना आपने साइज़ कंपैरिजन, उसके सामने कितनी बड़ी है देखो भाई, आप बोल सकते हो कि उससे डबल ऊंची है, डबल। और हाँ भाई एक बात और बताऊँ आपको, मैंने ऑफ रोडिंग के लिए आज नया ही रास्ता चुना है, मतलब मैंने भाई देखी थी वहाँ पे क्या ऑफ रोडिंग होती है, मतलब अलग ही रास्ता एकदम। सबसे पहले आपको मैप में दिखाऊँ तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे भाई माइनिंग होती है, आप यहीं पे चलेंगे ठीक है ना, यहीं पे जाके ऑफ रोडिंग करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं भाई ये कैसी चलती है, इसका इंजन विंजन कैसा है। वैसे तो भाई मैंने ये 4 लीटर में ली है और टर्बो चार्ज भी है, ये बोला था उतना भाई उसने ऐसे ही था, लेकिन स्टॉक टर्बो है ना तो उसकी शायद से साउंड इतनी नहीं आएगी, आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा पावर है इसमें। ओके तो जाम मिल चुका है हमें यहीं से, चलो गाड़ियाँ चल तो दी हैं और पावर भी भाई ठीक ठाक है इसमें। वैसे मैंने भाई पिछली बार वो गाड़ी भी चलाई थी ना माइकल वाली कार, उसमें इतनी ताकत नहीं थी, मतलब उसमें भाई ताकत ज़्यादा थी, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ भाई एक्साइटमेंट में आके, उसमें ताकत ज़्यादा थी इससे। तो माइकल की जो डिफेंडर थी ना, तो भाई मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछली वीडियो में डिफेंडर भी खरीदी थी एक, अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया तो उस वीडियो को भी देख लेना एक बार, मैंने माइकल के लिए डिफेंडर खरीदी थी उसमें, और भाई उसकी भी ऑफ रोडिंग टेस्ट किया था मैंने, अगर आपको वो भाई वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को जाके देखना। और इसका भी तो भाई हम ऑफ रोडिंग टेस्ट करेंगे ही अभी, और काफ़ी ज़्यादा दूर है यार, वहाँ पे जाते जाते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे भाई चलाने में तो इसको मज़ा आ रहा है मेरे को कसम से बहुत ज़्यादा, मैं क्या सोच रहा हूँ भाई आपको जाके वहीं पर मिलता हूँ और इसका वहीं पर जाके ऑफ रोडिंग टेस्ट करते हैं ठीक है। सो ओके गाइज, मैं अभी रास्ते में आया ही था बस, तो मैं सोच रहा था भाई मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, इसका क्यों ना फुल स्पीड टेस्ट भी किया जाए लगे आती। अब भाई मेरे को रास्ता मिल गया, थोड़ा चेक भी किया जाए इसको कैसी भगती है, कैसा इंजन है इसका ठीक है। तो वैसे तो ट्रैफिक तो काफ़ी ज़्यादा है, ठुकने के चांसेस हैं इसके, लेकिन फिर भी देखेंगे भाई, कोशिश करेंगे कि इसको ठुकने ना दें और इसका फुल स्पीड टेस्ट भी करें। तो ओके ये भाई 90 तो चढ़ चुकी है, मेरे को लग रहा है भाई 120 या फिर 130 तक ही जाएगी ये, उससे ऊपर जाने के चांस मेरे को तो भाई कम लग रहे हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अरे नहीं यार ये काफ़ी तेज़ है यार, ये 145 तो चली जा गई अब तक, 147 149 थोड़ा संभल के, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में भाई अगर ठुकी ना गाड़ी डायरेक्ट ख़त्म हो जाएगी ये, इसलिए थोड़ा संभल के चलाना पड़ेगा। और 153 भाई जितना सोचा था इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कार, 153 151, तो यही है भाई इसकी टॉप स्पीड, और भी ऊपर जा सकती है क्या, चलो देखते हैं। तो 155 पहुंच चुकी है ये कार, जो कि भाई इस ढलान की वजह से आई है, 160 161, तो इसकी भाई टॉप स्पीड आप कह सकते हो 155 के आसपास है, 155 आप कह सकते हो, 155 ही इसकी टॉप स्पीड है। और फाइनली भाई मैं स्पीड टेस्ट करते करते उस जगह पे भी पहुंच चुका हूँ जहाँ पे हमें अपनी ऑफ रोडिंग भी करनी है, बस इस थोड़ी सी दूर है, बस इस कट से लेके जाना है हमें, बस 0.83 miles है यहाँ से, आराम से आराम से। अरे भाई भाई ठीक 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 है भाई, मैं अभी डर गया था, मैंने समझा भाई बम्पर गया अपनी कार का, लेकिन थोड़ी सी संभाल ली मैंने, अच्छी आ गई है मेरे को थोड़ी कार चलानी। और भाभी मैं भी क्या बनना हूँ यार, नई गाड़ी खरीद के सब लोग अपने घर पे जाते हैं और मैं भाई डायरेक्ट ऑफ रोडिंग के लिए आया हूँ, और वो भी ऐसी जगह पे। एक सेकंड, आप सबसे पहले तो ये भाई जगह चेकआउट करो, यहाँ पे माइनिंग होती है, यहाँ पे खुदाई वुदाई होती है, वहाँ पे मैं आया हूँ ऑफ रोडिंग करने के लिए, जहाँ पे मैं इसके सस्पेंशन टेस्ट और सब कुछ करने वाला हूँ, इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी भाई पूरी खोल के रख देंगे आज, क्या क्या कर सकती है ये कार। ओके तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ से, और अपनी ऑफ रोडिंग टेस्ट यहाँ से शुरू होता है भाई असली, यहीं से लेके चलेंगे। सबसे पहले तो ऊपर लेके चलते हैं, इसको चेक करेंगे भाई इसके इंजन में कितना दम है। देखो ऐसी ऐसी मशीनें चलती हैं यहाँ पे, और मैं भाई यहाँ पे अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर लेके आया हूँ, इसका भाई एक बार लुक्स चेक करो यार, क्या लुक्स हैं इसकी। और मैं सोच रहा हूँ भाई इसके ना अपने नाम की नंबर प्लेट भी निकलवाऊँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी आएगी, लेकिन भाई अपनी ये पर्सनल फेवरेट कार है ना, इसके लिए चलता है ये सब।
तो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चढ़ा के देखते हैं इसको, इसके इंजन भाई कैसा है। देखो भाई, जो भी कहो ताकत तो है कार में, बड़े आसानी से चढ़ गई है। अभी देखो हम पे, हमारे पास कितनी सारी ऑफ रोडिंग के लिए जगह है, ये सारा का सारा घूम के देखेंगे और यहाँ पे भाई टेस्ट करेंगे सब कुछ। देखो अभी तक तो ये यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है, एकदम सस्पेंशन भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं और ऑफ रोड में इसके टायर्स की ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है क्योंकि स्लिप बिल्कुल भी नहीं मार रही है। मैं देखो 70 पे ऐसे ही टर्न ले रहा हूँ यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी फिसल नहीं रही है गाड़ी। और कार होती तो भाई इतनी में ड्रिफ्ट मार के उल्टी हो जाती, मतलब कह सकते हो ड्रिफ्ट मार के ना मून का पीछे को हो जाता है। लेकिन ये कार अब तक ठीक चल रही है। देखो जैसा कि आप देख सकते हो भाई, काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मैं टर्न्स ले रहा हूँ सारे के सारे। ओके चलो भाई, इसका आप कह सकते हो भाई बॉडी रोल तो काफ़ी कम है इसमें, बॉडी रोल्स भी होते हैं कार्स में जो कि भाई काफ़ी कम है इस कार में। अभी चलते हैं नीचे, और नीचे भाई खड्डों वड्डों में कुदाएंगे इसको। अभी तक तो देखो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है इस, मैंने भाई इतना सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन इसकी भाई लाजवाब परफॉर्मेंस अब तक। तो यहाँ से नीचे का रास्ता, यहाँ पे देखो ये खड्डा, जैसे कि मैं इसको चढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे मतलब कुछ ये ग्राउंड क्लियरेंस चेक करेंगे इसका, यहाँ से चढ़ पाएगी क्या भाई। बम्पर तो देखो टच हो रहा है लेकिन नहीं चढ़ रही, इतनी आसानी से नहीं चढ़ रही। अगर लेकिन मैं अगर पीछे से लाऊंगा ना तो आराम से चढ़ जाएगी। देखो थोड़ी सी लगी भाई, दुख हुआ, कुछ नुकसान होता या नहीं भाई वो तो जाके पीछे देखेंगे, लेकिन अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसका कह सकते हो आप भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक ठाक है अब तक। मैंने भी यार ज़्यादा ही ऊँचे पत्थर पर चढ़ा दी थी ये, तो ये है भाई असली जगह, ठीक है ना। यहाँ पर हम खड्डे में कोता कोता के चेक करने वाले हैं इसको, जैसे कि ये है इस ढलान पर चढ़ा के देखेंगे। ढलान पे चढ़ तो गई है भाई बड़े आराम से, और पत्थर भी पड़े हैं इस पे, लेकिन भाई गाड़ी में दम है, आराम से चढ़ रही है ये। देखो यहाँ पे चढ़ा के चेक करूँ क्या, लेकिन भाई मैंने ज़्यादा एक्सट्रीम तो नहीं दे दी ना ये, नहीं भाई आराम से चढ़ गई। मैं सोच रहा था कि यहाँ से चढ़ नहीं पाएगी, लेकिन भाई आराम से जा रही है बड़े आराम से। अभी तो देखो मेरी नंबर प्लेट भी देखो भाई, रैंडम सा क्या नंबर दे रखा है इन्होंने, मैं इसको अपने नाम जार्विस नाम से नंबर प्लेट भी लूँगा इसकी। और भाई कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है भाई, कैसी वीडियो है, अगर मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए तो उसके लिए भी बताना कमेंट करके। और आप ये भी बताना अगली गाड़ी कौन सी खरीदनी चाहिए सबसे भाई। इसके लुक्स की तो भाई कितनी तारीफ़ करूँ मैं, जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है। इसकी जो फ्रंट लाइट्स है ना भाई, ये कार तो मैं कभी नहीं बेचने वाला। देखो ये कार तो भाई परमानेंट है अब मेरे पास। सबसे पहले भाई मैं बातों में लग जाता हूँ, इसके ऑफ रोडिंग टेस्ट अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ से अभी चढ़ा चढ़ा के टेस्ट करेंगे इसको। देखो जैसे कि डायरेक्ट चढ़ाएंगे हम सामने से, काफ़ी ज़्यादा ऊंची ढलान है ये, इस पर भाई रैंडम गार्ड से नहीं चढ़ सकते, इस पर को चढ़ा के देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रहने वाली है इसकी। और काफ़ी ज़्यादा ऊँचा ही आ रहा है, लेकिन ये चढ़ चुकी है भाई, भाई दिख रहा है इसके इंजन का दम दिख रहा है बड़े आराम से। मैं कहाँ पे जा रहा हूँ यार, लेकिन मेरे को अभी यहीं पर ऑफ रोडिंग करनी है। ओके तो यहाँ पे भाई डायरेक्ट डायरेक्ट चढ़ा दूंगा मैं, ऐसे ही कोई भी पत्थर दिखेगा। तो एक बार और इसका स्पीड टेस्ट करूँगा यहाँ पे। देखो मैंने सस्पेंशन तो इसके देख लिए, सस्पेंशन तो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ एक बार और इसको यहाँ से चढ़ा दूँ क्या, ऐसा ना हो यार कि मैं ऑफ रोडिंग के चक्कर में इस नई कार को अपने को पलट दूँ और काफ़ी भारी नुकसान हो जाए। या इतना सोचना नहीं चाहिए वैसे तो, मेरे को चढ़ा देनी चाहिए। चलो चलो चढ़ा के देखता हूँ। ओके चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, और भाई चढ़ गई है। चलो और इसका थोड़ा इस भगा के भी देखते हैं भाई ऑफ रोड पर कैसी भागती है ये गाड़ी। मैं क्या सोच रहा हूँ ये इसी रास्ते भगाऊँ क्या, या फिर या इस पर ज़्यादा टर्न है। चलो आगे की ओर लेके चलते हैं भाई, जहाँ थोड़ा सीधा रास्ता होगा वहाँ पर भगा के देखेंगे रास्ता आन भाई। उस शायद मेरे को लगता है ऊपर वाला रास्ता ना इससे वो थोड़ा सही है, जो ऊपर वाला रास्ता है ना उस पे चढ़ा, उस पे भगा के देखेंगे, वो शायद थोड़ा सा सीधा रास्ता है इससे भाई। इसके एक तो इसको कहीं से भी चढ़ा दो, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके इंजन पे। यहाँ से मोड़ते हैं और थोड़ा सा भगा के देखते हैं, ज़्यादा नहीं भगाएंगे। देखो इसकी टॉप स्पीड टेस्ट हम पहले कर चुके हैं, अभी इसको देखेंगे कि ऑफ रोड पर ये कैसे भागती है।
ऑफ रोड में भाई 90-93 तो टच कर देती है बड़े आराम से, 100 भी टच कर सकते हैं क्या हम? चलो देखते भाई टेस्ट करके। देखो टच तो ये कर सकती है लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं है इतना अच्छा कि हम 100 टच करें यहाँ पे। अगर ज़्यादा कोशिश की ना भाई ओवर स्पीडिंग करने की यहाँ पे, तो मैं नीचे भी गिर सकता हूँ खाई में और अपनी गाड़ी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है पूरी। तो मेरे को लगता है आज के लिए भाई ऑफ रोडिंग टेस्ट इतना ही बहुत है, ज़्यादा यहाँ पे ओवर स्पीडिंग नहीं करते तो ठीक है, यहीं पे गाड़ी को लगाते हैं अपनी को और अपनी वीडियो को भी एंड करते हैं यहाँ पे। ये बंदे भी देख रहे होंगे भाई क्या कार है, ये कार नहीं हाहाकार है। तो चलो ठीक है भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। फिर से मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।